गठबंधन पर अब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को दिया है जोर का झटका। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस संघ गठबंधन पर टीएमसी ने बड़ी दो टूक बात कही है। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सम्मानजनक जीत तो हासिल कर ली, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के सहयोगी दल उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेने दे रहे। पहले तो तमाम विपक्षी दलों ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का दबी जुबान से विरोध किया और अब गठबंधन को लेकर भी सहयोगी दल किनारा करने की धमकी दे रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 2019 चुनाव में गठबंधन को लेकर कांग्रेस को जोर का झटका दिया है। टीएमसी ने साफ कहा है कि वो चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। टीएमसी के सीनियर नेता और ममता सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने अपने एक बयान में कहा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इस बात का इशारा किया कि चुनाव के बाद विकल्प खुले हैं। बकौल सुब्रत मुखर्जी, उनकी पार्टी अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही रणनीति तय करेगी। उधर टीएमसी नेता के इस बयान पर बंगाल कांग्रेस नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान ने भी कहा कि वो भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में साफ है कि गठबंधन पर टीएमसी की ओर से ये तेवर दिखाने के बाद अब कांग्रेस के पास लेफ्ट फ्रंट के साथ जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें कि ममता बनर्जी शुरू से ही राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस की कमान मिलने के बाद ममता ने राहुल गांधी को बधाई तो दी थी, लेकिन साथ ही ये नसीहत देना भी नहीं भूली थी कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। और जब तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतकर राहुल ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो धीरे धीरे राजनीति सीख रहे हैं, तो भी राहुल को बधाई देना ममता ने मुनासिब नहीं समझा। साफ सी बात है कि ममता बनर्जी इतनी आसानी से राहुल की सरपरस्ती को स्वीकार नहीं करने वाली। राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने के डीएमके नेता स्टालिन के प्रस्ताव को भी खारिज करने वालों में टीएमसी सबसे पहला दल था और अब कांग्रेस संघ गठबंधन नहीं करने के ऐलान से टीएमसी ने कांग्रेस को एक और जोर का झटका दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।